बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है डेट एंड ओट्स रोल्स। चलिए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या क्या ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं खजूरें, जिसे मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ओट्स, 1 कप पिसा हुआ नारियल, नारियल पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट हैं, ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, हनी जाएगा इसमें, इसमें जाएगी चॉकलेट, चॉकलेट सिरप या चॉकलेट पेस्ट जो भी आपके घर में मौजूद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ओट्स एंड डेट्स रोल्स बनाना। सबसे पहले हम इन खजूरों के सीड निकाल के इन्हें चॉप राइस कर लेंगे। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे। यहाँ पर मैंने 15 से 20 खजूरें ली थी, उन्हें मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। उसके बाद उसमें से सीड निकाले और इसे चॉपराइज कर लिया। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप ग्राइंडर में से थोड़ा सा दरदरा सा पीस सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉनस्टिक फ्राई पैन ले रही हूँ, तो इसमें ज़्यादा और देसी घी की ज़रूरत नहीं है, बस आधा स्पून या आधा देखिए आधा टीस्पून ही काफ़ी है। हल्का सा सॉटे करके और इसे निकाल देंगे प्लेट में। देखिए मैंने फ्राई करके थोड़ा सा सॉटे करके निकाल लिए ड्राई फ्रूट्स को। अब इसी पैन में मैं ये ओट्स 1 कप के करीब ये डाल दूँगी और इसे भी हल्का सा सॉटे कर दूँगी। ओट्स को मैंने निकाल लिया है। अब हम दोबारा से 1 टीस्पून के करीब देसी घी लेंगे और इसमें हम डालेंगे ये ग्राइंड की हुई खजूरें और इसे फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट तक। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई करना है। पाँच से सात मिनट हो चुके हैं, देखिए अच्छा सा टेक्सचर आ चुका है, खुशबू भी आ रही है इसमें से। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ओट्स और उसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा कूल डाउन होने देंगे क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है, हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना वरना इसके रोल बनाना मुश्किल हो जाएगा। बस रूम टेम्परेचर पे आते ही हम इसके रोल बनाएंगे। इस मिक्सचर में हम जाएंगे अपनी फ्राइड कटे हुए जो मिक्स होते ड्राई फ्रूट्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून हनी। अगर आपको हनी अच्छा नहीं लगता इसमें तो हनी आप अवॉइड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून करीब हनी मिला के फिर मिक्स कर देंगे इसे दोबारा से। और इसमें जाएगी कोई भी आप चॉकलेट पेस्ट ले लीजिए, 1 चम्मच भर के चॉकलेट पेस्ट डालेंगे इसमें, ये भी ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें वरना स्किप कर दीजिए।
और इन सब अच्छे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक साफ से सरफेस पर या चॉपिंग बोर्ड पर इसका एक अच्छे से रोल बना लेंगे। कोकोनट पाउडर ले लेंगे और फिर बहुत जेंटली इसको रोल करेंगे कोकोनट पाउडर में, डस्ट करते रहेंगे हाथों से। एक फॉइल पेपर लेके और उसे रोल को जेंटली रोल करिए। और दोनों साइडों से बंद कर दीजिए। और इस रोल को रख दीजिए फ्रिज में 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं, चलिए देखते हैं हमारा डेट रोल किस तरह बना है। शार्प नाइफ से आप इसके पीसेस जितने भी आपको चौड़े चाहिए उतना आप काट सकते हैं। तो लीजिए बनकर रेडी हैं ओट्स एंड डेट्स रोल्स। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून। अरे वाह, लाजवाब है।